करते भाई जाने जाइए उठ के। हां भाई जान भाई जान बस 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 थोड़ा नीचे रहिए नीचे। हां जी ये मेरे भाई जान है तो दोस्त भाई मैं आपको बताऊं क्या करने लगे हैं। क्या मिशन के एंड जोर से बोलिए ऑडियंस को बताइए ये केएन क्या है मार क्यों है मैं बता रहा हूं ना मुझे ये केएन है मिशन गाली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ अपने आज के मजेदार से ब्लॉग का करते हैं आगाज। जिसने मेरे चैनल शाह मोहम्मद वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी आके सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली फ्यूचर में आपको सारी वीडियोस बरवक्त मौसूल हो सके। तो दोस्तों आपके भाई को थैंक यू सो मच कि आपने 44 सब्सक्राइबर मेरे कराए। तो इसी तरह मजीद आपको 100 पे 1000 ऐसी मजीद बढ़वाते आने। तो अभी तक मेरे चैनल को सबसे सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी आके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। तो उसके अलावा वीडियो में आज क्या है ओ हाँ सबसे पहले आज है दिन ट्यूसडे और डेट है 6 जून 2023। 17 जून को मेरा टेस्ट है तो दुआ कीजिएगा कि मेरा टेस्ट अच्छा जाए। तो उसके अलावा वो देखिए अपडेट जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ऐसी हो रही है जैसा कि आपने देख लिया होगा। तो बाकी का ब्लॉग आप बाद में कंटिन्यू कर दें क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया। तो नाश्ता करते जाकर और वीडियो का इंट्रो नहीं किया वीडियो का इंट्रो कर लेते। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई दस्तरखान पे आके बैठ चुका है और आज क्या है नाश्ते में काफ़ी मज़ेदार चीज़ है मेरे लिए। छोटे भाईजान के लिए तो वो नहीं है लेकिन छोटे भाईजान खा रहे हैं पराठा और अंडा और चाय। और लेकिन मेरे पास क्या है मेरे पास है आलू का पराठा यम 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 और साथ में चाय है। और बाबा जानी बस जाने आ रहे हैं बाबा जानी बैठे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं मैं इस वजह से बाबा जानी को नहीं दिखा रहा। तो उनके पीछे मेरी वालदा खड़ी मेरी वालदा भी आ जाएगी फिर मेरे को एडिटिंग में हो जाएगा बहुत ज़्यादा मसला। तो इसलिए कहता हूँ कि ना ही दिखो तो बेहतर फिर क्या एडिटिंग में दिमाग ख़राब होता रहेगा। तो इसलिए भी मज़े का नाश्ता करते हैं दैन फिर बाकी बातें सुकून के साथ बाद में करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। तो अभी क्या करना है अभी भैया पीछे दाना पानी करके आया हूँ जंगली कबूतरों का। तो अभी फ्रंट पे आया मैंने इस कुंडी में भी डालना है पानी और ये जो हमारे पौधे हैं यहाँ पर है इनको भी पानी देना। तो ये वाला काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं देन फिर हम दोनों भाई ने जाना है पानी ये केन है तो फिर जल्दी जाके पानी ये केन ले आते हैं। अच्छा दोस्तों पौधों को पानी शादी देने के बाद अब जा रहे हैं पानी ये केन लेने। छोटे भाई जान ये रहे हाँ जी छोटे भाई हाथ हिला दो लंबा लंबा हाथ हिला दो चलते हुए जल्दी जल्दी आप पानी केन लेकर आ जाते फिर मेरे को सब्जी भी लेने जानी और इंशाल्लाह बालों का भी करियर काम करेंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और जो हमारे आज के काम है वो मुकम्मल करके आ जाते हैं। अगर अच्छा आपको आज की वीडियो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर देना। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पानी केन ले लिए और अभी घर की तरफ जा रहे हैं और अभी सीन हो जाता है लेकिन अल्लाह ने मदद कर दी। छोटे भाई जैसे पूछते क्या वो छोटे भाई अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं यार बच्चे क्यों खड़े हैं भाई आज। तो ये आज है पेपर इंटर वालों का पेपर चल रहा है तो अब रोड क्रॉस करना है एक मिनट रोड क्रॉस हो गया है। तो ये देखिए ये कितना रश हो रहा है इस रोड पर। तो अब बाकी बातें घर जाके करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पर आ गया था तो पानी का केन मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया वो देखे लेगा भाग के। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो बकाया सामान लेने का वो लेने जा रहा हूँ तो फिर चलिए चलते हैं। अच्छा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने सब्जी ले ली है जैसे कि आप देख सकते हैं आपके दोस्तों को दिखाता है दरअसल यार दोस्तों रश होता है लेडीज भी होती है फिर आप समझ सकते हैं क्या चक्कर बन जाते हैं। तो जैसा कि आ गई है तोप चुरंगी और अभी ये सब्जी लेके घर पर जाते हैं बाकी बातें आप घर जाके करते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल कर लिया गया लेकिन छोटे भाई की गेम अभी तक नहीं ख़त्म हुई। अब मेरे को मम्मा एक ड्यूटी दे रही है वो ड्यूटी है कि बेलकनी हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब तो इसको साफ़ करना है। हर टाइम लैप्स कुछ भी नहीं बनाने वाला वो फिर नाई के बाद भी जाना नाई वाले का फोन आज फोन करें कुछ दिन को अभी तक आया गया नहीं आ चुका वहाँ से जल्दी जल्दी से काम को मन करते हैं लैस पर जाकर हेयर कटिंग कराते हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े छुट्टे हुए हैं ना घोंसले बनाए हुए चिड़िया के ये सही कराते थे इसका तो चेक करो घोंसले घोंसला चेक करवाइए अपना इसका घोंसला चेक करो फुल कबूतर का घोंसला बना हुआ है इतना बड़ा घोंसला। तो ये सेट वेट करवाएंगे ये बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है ये कमेंट करिएगा। तो जल्दी जल्दी हम ज़्यादा काम मुकम्मल कर लेते हैं जैसे जल्दी जाके ये छत्ते को थोड़ा छोटा करवाते हैं। तो दोस्तों
कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात कर रहा हूँ। बिल्कुल ही मैंने कर दिया साफ एकदम किस में, तो ये चमक गई है वापसी से, मतलब मिट्टी से भरी पड़ी है, तो यार काम हो गया मुकम्मल। तो अब जल्दी जाते हैं और इस छतरे को करवाते हैं काम, और छोटे भाईजान को बोलता हूँ जल्दी उठ जा भाई, गेम पूरी हो गई तेरी, गेम पूरी हो गई, चलो फिर उठो जल्दी, और अब चलते और जल्दी फिर कटिंग कराते हैं। खच खच खच। आपका भाई दर्जी के पास से होके आ गया, तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, ये रास्ता जा रहा है आप जैसा कि देख सकते हैं। तो दर्जी को कपड़े थी, गर्मी बड़ी थी, गर्मी बड़ी है नहीं, बड़ी हो रही है भाई, कैसी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, मैं आपको बता सकता हूँ, दिमाग घुमा रही है गर्मी। तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ, फिर घर जाते हो, नाई के पास नहीं जा रहा, बाबा ने मना कर दिया है, प्लान कैंसिल हो गया हमारा नाई के पास जाने का, दैन फिर कल बाद आप कटवाएंगे, तो घर जाके बाकी बातें करते हैं। अच्छा दोस्तों, घर पे आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो बाल कटवाने का सिस्टम था वो हो गया कैंसिल, पापा ने प्लान कैंसिल कर दिया, वो इसलिए क्योंकि कल की मंडे था, क्या होता नहीं होगी छुट्टी होती है, आज का दिन था, लेकिन आज रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप असल में दूसरा दिन आज हर कोई आता है, ड्यूटी वाले बंद होते हैं अपने बाल शांति कराने, तो इस वजह से रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आज बाल कटवाना कैंसिल हो गया, पूरे बोले बेटा कल कटवा लेना। तो अभी क्या करने लगे, अभी दस्तरखान बिछ चुका है आपके सामने है कि दस्तरखान पे, और ये छोटे भाईजान सामने बैठे हैं, बस आप हाथ इनका देख सकते हैं, इनको समझाना पड़ेगा किस दिन सही वाला। तो उसके अलावा आज खाने बनी हुई है भिंडी है, आम है और लस्सी है, तो ये सब कुछ है बाकी अब, और हाँ एक और चीज़ भी है, दही भी है चीनी डाल के मज़ेदार किस्म का, तो अब मज़े लेके ये सब कुछ इन्जॉय करते हैं, देन बाकी बातें बाद में करते हैं, क्योंकि मेरे को आज अपनी बहन को भी सेंटर छोड़ने जाना है, तो जल्दी जल्दी सब तो दोपहर का कहते हैं लंच कर लेते हैं, देन फिर सिस्टर को छोड़ने जाना है, तो फिर वहाँ जाएंगे, देन फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ वीडियो शीडियो भी एकदम एडिट होकर अपलोड भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने कीजिए कि अभी जाके देखो काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी। तो दोस्तों बाबा जानी भी ऑफिस से आ चुके हैं, और माशाल्लाह नवाज़े असर भी अदा कर ली गई है अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ, तो अब जल्दी जल्दी बाबा और मैं जा रहे बाहर, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, और जहाँ जाना है वहाँ पर चल लेते हैं, बाबा जानी ये सामने देखे आ रहे हैं बाहर, तो बाबा जानी और मैं जा रहे बाहर, दैन फिर बाहर से फारिग होकर आके दैन फिर अगेन ब्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, और जैसे ही हमारी एंड तक की मज़ेदार सी रूटीन होगी वो तो मेरे शेयर होनी होनी है, तो अगर से आपको अभी तक की मेरी रूटीन अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ठोक देना, आपको सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, और आप ये तो कुछ बोलते हैं इसको, तो बस एक चीज़ चाहिए, पैसे 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 दें, बाकी बातें बाद में करते हैं। A few moments later. दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ चुका हूँ, तो चाय शाय बनते चाय शाय पीते, और साथ में क्या लेकर आए, ये केक रस लेकर आए, और बाबा जानी यहाँ पर बैठे मोबाइल चला रहे, और छोटे भाई जान पीछे लैपटॉप चला रहे, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाय हाय सांस अड़ गया, तो ये हल्की फुल्की आज गर्मी है, लेकिन फिर भी पिछले दिनों से कुछ हद्ते बेहतर है, तो अब जल्दी से अपनी चाय पीते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के दैन फिर बाकी बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने चाय शाय पीने के बाद मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी रात का करा जा रहा है, क्या कहेंगे डिनर, रात का डिनर किया जा रहा है, छोटे भाई जान को आप देख सकते हैं ये आमों को अल्लाह लाल लाल बढ़ा दिया अल्लाल, अरे लगा पड़ा ये छोड़िए रहा आम को लगा पड़ा, और साथ में है लस्सी, और साथ में आम है, और साथ में वही दोपहर वाली भिंडी, तो मैंने तो खाना खाने थोड़े से आम खाते थे, फिर बाद में एक स्पेशल चीज़ें वो बना के खाते बाद में मज़े ले गए, तो अभी जल्दी जल्दी से मैंगो खाते थे, फिर बाकी बातें बाद में रखते हैं। हाय दोस्तों आम बड़े मज़े से आज ही आ गया बादशाह, तो दोस्तों आम खा लिए काफ़ी मज़ेदार किस्म के आम, तो अब क्या करने लगे, अभी क्या करते हैं भाई जान ले आइए उठ के, थोड़ा नीचे रहिए नीचे, हाँ जी ये मेरे भाई जान है, तो दोस्त भाई मैं आपको बताऊँ क्या करने लगे, क्या मिशन के एंड क्या है, जोर से बोलिए ऑडियंस को बताइए क्या है, मार क्यों है मैं बता रहा हूँ ना मुझे, ये के एन है मिशन और मैगी बनाने का, और नूडल 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 बनाने, तो ये दोस्तों आज दिल कर पड़ा कि नूडल खाइए काफ़ी मज़ेदार किस्म के, ये बात है कि भिंडी शिंडी पसंद नहीं है, तो अब जल्दी जल्दी नूडल बनाते हैं मज़ेदार किस्म के, तो इसको भी अपने मिशन में मिला दिए, तो आप मेरे साथ मिशन में चले नहीं, नहीं आप पकाएंगे मेरे सामने सर, ये बहुत कमीना शख्स है अल्लाह माफ करे, गाली अच्छा अच्छा, तो दोस्तों अब जल्दी जल्दी से जाते हैं और अपनी किन्नौर मैगी को बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी तो दोस्तों अब चलते हैं, और जो हमारी मैगी रखी हुई है उसे निकालते हैं, कहाँ रखी हुई है ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ रखी हुई है, शोकेस में ही होगी ज़्यादा, वो पड़ी हुई
ये निकल आई। अरे कितनी है इसके अंदर, चेक तो करें। अरे इसमें तो दो आदत पड़ी है। चलो काम चलाते हैं इसी से। कोई दो आदत पड़ी है इसी से काम चलाते हैं और चलते इसको लेके किचन में। लाइट बंद करने पहले यहाँ तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो पापा जाए डांटेंगे। तो आगे है किचन में, किचन की लाइट जलाते हैं। किचन की लाइट जलाते तो मैगी में, ओ सॉरी मैगी में क्या, मैगी नहीं, इसको बोलेंगे नूडल, जो हमारे किनोर नूडल है ना। तो अब इसको फ्राई पैन में पानी पर उबलने के लिए रख देते हैं। डैन फिर इसको डाल के पकाते हैं और फिर मज़े लेके खाते हैं। लेकिन मैं खाने से पहले फ्रेश हो जाऊँगा, फिर सुकून के साथ बैठ के खाऊंगा, क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद किस्म की लग रही है। तो देन अब जल्दी जल्दी से पानी को उबालते हैं और इस नूडल को उसके अंदर डाल के पका लेते हैं। हाँ बाकी आपको डिश तो पता है ना कि कैसे बनेगी, कहीं वो भी मेरे को बतानी पड़े। चले थोड़ी बहुत गाइड कर देंगे आप। तो आपने देख लिया जैसे कि मैगी तो इसके अंदर चार। तो अब आपके भाई जो जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालने हैं वो लिया। तो भाई मैंने फीकी वीकी दिखाई दी, स्पेशल बना के किस्म की खाता हूँ, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ से फ्रिज में से चीज़ उठा लेते हैं। एक तो हो गया ये हमारा सिरका, जो नॉर्मल सिरका होता है, साथ में चिली ले लिया और ये ब्लैक वाला भी ले लिया, क्योंकि हम ये थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो इनको रखते हैं यहाँ पर। तो और बाकी किचन में से लेते हैं सामान भाई। ये मत बोलिए क्या बना लिया फॉर्मूला, बस समझ सकते हैं कि चटका रहे, चटपटा दिल कर रहा है, चटपटका रहे बना रहे। तो अब क्या क्या करना है कुछ भी नहीं करना, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें डालूंगा। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले, नहीं अभी ये डालते हैं, इसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा इसको यानी छूटते देते हैं, लेकिन मैगी अभी जैसे कि जुड़ी हुई आपस में थोड़ी अलग अलग हो जाए। देन फिर जब मसाले डालने लगो ना, अगेन ब्लॉग को कंटिन्यू करके आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अच्छा जी दोस्तों, बड़ी गर्मी लग रही है भाई, कुकिंग करना आसान नहीं, माओ को सलाम है जो करती हैं भाई हमारे लिए, वरना बहुत मुश्किल है कुकिंग करना। हालत देखो तो पसीने से लथपथ हो गया हूँ। तो मसाले जाट डाल दिए, आपको थोड़ी कलर दिखा दिए। देखिए ऐसा आया है इसका जो हम बोलेंगे ना फेस, यानी कि जो हमारी जो मैगी उसकी शक्ल है वो ऐसी निकल गई है, आपने देखी हो। तो उसमें क्या क्या मसाले डाल देने वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सीधी सीधी बात है, चिली से सच सच बताऊँगा, झूठी बता रहा है कि क्या क्या डाला है। थोड़ा चटपाड़ेदार बनाए, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि होता है इसके मसाले तो एम ही होता है, समझ में नहीं आता क्या करते हैं। तो हाँ सबसे पहले डाली है चिली सॉस, सिरका और काला सिरका जो होता है वो वाला। तो उसके अलावा काली मिर्च है, नमक है, हल्दी मैंने कलर के लिए डाली है, वो बिल्कुल हल्की सी। तो उसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया ताकि स्वादिष्ट यानी थोड़ा सा मज़ेदार बन जाए। तो ये मैगी है बस हमारी, अब इसको पकड़ लेते हैं, अब डिश आउट करके आपको डायरेक्ट कमरे में मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको अभी तक मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, स्वाद आ जाएगा प्लीज़ दोस्तों। अच्छा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इनको तो मैगी बना के देते हैं, ये खा के बैठे चट भी कर चुके हैं, बस मैं रह गया। तो मैं सिर्फ मैं फ्रेश होने चला गया, फ्रेश होके आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे सामने मेरी मैगी रखी हुई है मज़ेदार किस्म की, तो अब इसको ट्राई करते हो, थोड़ा सा आपको रिव्यू भी देते हैं। ऐसे मैगी खाना वीडियो में बहुत ही मुश्किल है, फिर आप समझ सकते हैं कि मैगी लंबी लंबी होती है, फिर सारे कपड़े खराब कर देते हैं। ट्राई करते थोड़ी सी टेस्ट करके आपको ज़रूर इसका रिव्यू देता हूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो देते हैं इसका रिव्यू आपको। ये एक मिनट, अरे चढ़िया, अरे तेज। अच्छा मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, तभी मेरे को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो चले अब गुजारे लायक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की सी ठंडी हो गई, काफ़ी मज़ेदार डिलीशियस बनी हुई है। तो अब इसको मज़ेदार किस्म से इन्जॉय करते हैं, दैन फिर बाकी बातें बाद में सुकून के साथ करते हैं। अच्छा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैगी शेगी खा ली गई और बाहर से एक चक्कर भी लगा के आ गए, यानी कि इसको चहल कदमी कहते हैं। कोई खा डाय खा के ऐसे लेट के सोच नहीं जाना चाहिए, तो बाहर से चहल कदमी मुझे एक दफ़ा लगा के आ चुका हूँ। तो उसके अलावा अब क्या करने लगा, बस अब घोड़े बेच के सोना, भी टेक लगाई हुई है मैंने थोड़ी सी, ऐसी टेक लगा दी थी चार पाई के साथ। तो अब बस लेट के सो के घोड़े बेचने फुल टका गए। अबू जी ने भी नमाज़ पढ़ ली, अबू जी बाहर गए मैं फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा। तो मैं अब ब्लॉग को एंड ही कर रहा हूँ। अच्छा तो दोस्तों अगर चाहे आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, और हाँ जिसने मैं इस चैनल शामू दौड़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी करो सब्सक्राइब करो, और इस तरह के न्यू मज़ेदार ब्लॉग्स आपको मिलते रहे, और बेल आइकन भी दबा लो ताकि मेरी आने वाली फ्यूचर की तमाम वीडियोस आपको बार बार मौसूल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। सो लेट्स टेक केयर, बाबा टाटा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।